हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3rd जर्नल एंट्री हमारा चल रहा था, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे SBPD पब्लिकेशन के बुक से। क्वेश्चन नंबर 3rd तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्या कहता है। देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड का मतलब हो गया कि हम पहले जैसे जर्नल एंट्री हम पास करते हैं सिंगल सिंगल, है ना, सिंपल जर्नल एंट्री। अब हम जर्नल एंट्री को, कोई दो जर्नल एंट्री है उसको एक साथ मिला करके किस तरीके से हम उसको जर्नलाइज करते हैं ट्रांजेक्शन को, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। उसे हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। चलिए ट्रांजेक्शन से ही समझेंगे कैसे होता है। सबसे पहला है आपका यहाँ पर डेट लिख लेना। आप डेट की कॉलम में 2018 और इसके बाद पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट नरेशन के साथ आप लोग बनाओगे। सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है आपका वो है 10 जनवरी का। 10 जनवरी क्या है ट्रांजेक्शन? सीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000 एंड प्लांट 50,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सीमा जो है वो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में क्या क्या लगाया है, चलो समझते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंट्री कंसेप्ट और बिजनेस एंट्री कंसेप्ट, ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होता है। यहाँ पर ऑनर जो है वो सीमा है और ये क्या है, इन्होंने जो है बिजनेस में जो भी लगाया हो, जो भी इन्वेस्ट किया हो बिजनेस में, वो कहलाएगा कैपिटल। तो एक तरफ क्या क्या लेकर आया है, एक तरफ तो सीमा ने कैश लगाया है और दूसरी तरफ क्या बोलता है, प्लांट, यानी प्लांट है आपका एसेट, ये लेकर के बिजनेस में आया है। कितना कितना है अमाउंट? अमाउंट जो है आपका वो है 20,000 का कैश है और 50,000 का प्लांट है। 20,000 कैश हो गया और 50,000 प्लांट हो गया। लगाया किसने है? सीमा ने। सीमा कौन? बिजनेस की ऑनर। और बिजनेस के ऑनर जो भी बिजनेस में लगाता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। और कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होता है। तो सबसे पहले आप यहां पे कर दो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे हम कितने का जो है ऑनर ने पैसा लगाया है बिजनेस में, तो 20,000 और प्लांट का 50,000, तो टोटल हो गया आपका ₹70,000। ये कैपिटल है। अगर गुड्स भी लेकर के यहाँ पे आया जाता तो गुड्स भी हम यहाँ पर क्या कैपिटल में ऐड करते, क्योंकि ऑनर जो भी लेके आता है वो कैपिटल का हिस्सा बनता है। अब बिजनेस में क्या आया है, तो बिजनेस में आया है क्या क्या, कैश और प्लांट दोनों एसेट है। बिजनेस में आ रहा है आपका रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, हम यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और प्लांट अकाउंट एसेट का नाम लिखेंगे, प्लांट अकाउंट को भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, कैश के सामने हम कैश लिख देंगे 20,000, ये कैश हो गया, और प्लांट के सामने हम लिख देंगे 50,000। टोटल कैपिटल ऑनर का कितना, 70,000। ये आपका जर्नल एंट्री बनेगा। ट्रेडिशनल अप्रोच से भी बना सकते हो, मॉडर्न अप्रोच से भी बना सकते हो। चलिए दोनों से एक बार हम यहाँ पे बात कर लेंगे। सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या कहता है आपका, कि ट्रेडिशनल अप्रोच में आप देखिए कि बिजनेस को देने वाला कौन है, गिवर कौन है, तो सीमा। सीमा कौन? बिजनेस की ऑनर। और ऑनर का जो अकाउंट होता है बिजनेस में वो क्या है, कैपिटल। और कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि सीमा कौन है, गिवर है, तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन किसे क्रेडिट करेंगे, सीमास कैपिटल अकाउंट को। सीमा लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप का हम जो है अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसलिए सीमा लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये कैपिटल सीमा का ही है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, कितना दिया सीमा ने यहाँ पे, 70,000। अब बिजनेस में क्या क्या आया, तो बिजनेस में आया कैश। कैश होता है एसेट, एसेट
जो है रिलेटेड होता है वो रियल अकाउंट से होता है, और रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया बिजनेस में, और क्या है तो आपका प्लांट है, प्लांट भी क्या होता है एसेट होता है, वो भी बिजनेस के आ रहा है में आ रहा है, तो दोनों रियल अकाउंट के रूल से बनेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, दोनों को हमने डेबिट किया, लेकिन हम अमाउंट चूंकि अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे यहाँ पे, कैश 20,000, प्लांट 50,000, ये यहाँ पर आपका बनेगा जर्नल एंट्री, इस तरह से हम जर्नलाइज। अच्छा, इसका आप जो है वो नरेशन भी यहाँ पर लिख लेना, लिखना बींग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड प्लांट, ये आप नरेशन भी यहाँ पे लिख लेना, बींग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड प्लांट दोनों। ये हो गया 10 तारीख का, जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको रिकॉर्ड करना है, और उसी के तरीके से हम यहाँ पे चलेंगे, आप बनाओगे फॉर्मेट पर नरेशन के साथ। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, परचेस गुड्स फ्रॉम आर्यन, आर्यन से गुड्स परचेस किया गया है, और बोलता है कैश में 10,000 एंड क्रेडिट में 20,000। चलो इसको देखते हैं, ये बिजनेस है, हमेशा ध्यान रखना जो भी रिकॉर्ड करना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, ये है आर्यन। अब क्या कहता है ट्रांजेक्शन, कहता है कि परचेस किया है आर्यन से और कैश में परचेस किया है 10,000 एंड क्रेडिट में परचेस किया गया है आपका 20,000। ठीक है, देखो गुड्स तो आया बिजनेस के अंदर, अब चाहे आप कैश में परचेस करो तो भी स्टॉक बढ़ेगा, क्रेडिट में परचेस करो तो भी स्टॉक बढ़ेगा। चलो यहाँ पे हम देखते हैं, समझेंगे कि बात को, देखिए ऊपर वाला कैश में है और कैश में कितना परचेस किया गया है आर्यन से, 10,000 का है ना परचेस किया गया है, तो यहाँ पे हम परचेस लिख देते हैं, और कैसा परचेस तो लिख देते हैं कैश परचेस, दूसरा क्या है परचेज है, ये भी परचेज है लिख देते हैं, और ये कैसा परचेज है तो क्रेडिट परचेज है, नीचे लिख देते हैं क्रेडिट में, ये क्रेडिट वाला परचेज है और ये कैश वाला परचेज है, क्रेडिट वाला कितने का है 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये का। बताइए तो बिजनेस का में जो गुड्स आया या स्टॉक जो बढ़ा वो कितने से बढ़ा, तो टोटल जो आया 10,000 और 20,000, तो स्टॉक जो बढ़ गया वो आपका 30,000 से स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, और गुड्स के लिए हम क्या लिखते हैं परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, गुड्स आ रहा है बिजनेस में, स्टॉक बढ़ने के सेंस में डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से हम यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। सबसे पहले आप लोग डेट लिख लेना, परचेज अकाउंट डेबिट, डेट जो है आपका वो है 15 जनवरी, जनवरी 15, ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिट। अब कैश वाला ये मत सोचना कि कैश वाला अलग से क्रेडिट वाला अलग से दो बार परचेस लिखेंगे, हम दो बार कभी परचेस नहीं लिखते हैं, दोनों को जोड़ करके एक साथ परचेस अकाउंट डेबिट। बताइए स्टॉक कितने से बढ़ा, 30,000 से, यानी गुड्स कितना आया बिजनेस में 30,000, तो 30,000 को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। ट्रांजेक्शन के एक पहलू को हमने रिकॉर्ड कर लिया है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से। अब लिखते हैं टू, सबसे पहले जो कैश में खरीदा गया है तो जाहिर सी बात है जो कैश में खरीदा गया होगा तो कैश पेमेंट भी किया गया होगा आर्यन को। ठीक है, कितना पेमेंट किया होगा, कैश 10,000, जो कैश में परचेस किया कैश में सामान आया कैश गया 10,000, कैश चला गया बिजनेस से तो क्रेडिट वाट गोज आउट रियल अकाउंट के रूल से, क्रेडिट वाट गोज आउट कितना 10,000 रुपीज़, तो 10,000 को क्रेडिट कर दिए, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से डेबिट क्रेडिट मैच करना चाहिए, नहीं कर रहा है, क्रेडिट परचेस भी तो है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू। उधार में कितना खरीदा गया है, उधार में जो खरीदा गया है वो है आपका यहाँ पर देखोगे 20,000, और ये 20,000 जो है नियर फ्यूचर में आर्यन को दिया जाएगा, तो आर्यन क्रेडिटर कहलाएगा बिजनेस का, कितने से 20,000 से जो उधार में किया गया, तो इसके लिए आर्यन का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, आर्यन का नाम लिखना होगा, तो यहाँ लिखेंगे आर्यन,
और आर्यन के सामने कितना लिखेंगे, आर्यन के सामने जो हम लिखेंगे वो कितने का उधार है, 20,000, ये बनेगा आपका। अगर आप इसको सेपरेट भी कर देते, अलग भी करते, तो क्या बनाते, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर कैश वाला देखोगे तो 10,000, और परचेस अकाउंट डेबिट टू आर्यन ये हो गया आपका 20,000, ये बनाते। अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट कितना से, परचेस डेबिट है, परचेस डेबिट है 10,000 एंड 20,000, तो ये हो जाएगा आपका 30,000। इसके बाद कैश कितना गया क्रेडिट में, तो कैश गया 10,000 और उधार में कितना है 20,000, तो टू कैश और टू आर्यन 20,000, यही एंट्री तो बनाना आपका, यही एंट्री तो हम यहाँ पर भी बनाए हैं। अगर कैश में परचेस करते तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, उधार में परचेस करते तो परचेस अकाउंट डेबिट टू आर्यन। अब यहाँ पे कैश में भी परचेस किया गया है, क्रेडिट में भी परचेस किया गया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट 30,000, कैश चला गया आपका यहाँ पर 10,000, और जो गिवर है वो आर्यन है यहाँ पर, तो आर्यन अकाउंट क्रेडिट किया गया 20,000 से। ठीक है, नरेशन लिख देना आप, बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट दोनों, ये आप नरेशन लिख देना। बात क्लियर हो रहा है ना, कैश में परचेस किए, स्टॉक तो 30,000 से बढ़ गया, यहाँ पे 30,000, कैश कितना गया बिजनेस से 10,000, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, और 20,000 अभी भी क्रेडिट पे है, इसलिए आर्यन का यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 20,000 आर्यन के सामने लिख देंगे। ठीक है, चलो यह एंट्री बना आपका, इसको हटाते हैं। ये हो गया आपका 15 तारीख का ट्रांजेक्शन। पंद्रह तारीख के बाद 20 तारीख, 20 जनवरी का क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड क्रेडिट 15,000 टू राजेश। ठीक है, सामान जो है वो बेचा गया है, अब खरीदा नहीं गया, इस बार बेचा गया है सामान, 10,000 का कैश में और क्रेडिट में 15,000 का। चलो सबसे पहले हम यहां पे समझते हैं बिजनेस, हमेशा ध्यान रखना बिजनेस, बिजनेस के ऑनर के बारे में कभी मत सोचना। सामान बेचा गया है, कितने का सामान बेचा गया है, तो यहां पर 10,000 का कैश में और 15,000 रुपये का यहां पर उधार में यानी क्रेडिट में बेचा गया है। किसे बेचा गया है, राजेश को। बताइए तो हमारे पास टोटल स्टॉक कितना है, स्टॉक मतलब कितना परचेस किए थे, 30,000 का, 30,000 का स्टॉक है जिसमें से कितने का सामान बेचा गया है, यानी स्टॉक कितने से ख़त्म होगा आपका, तो 15,000 और 10,000, 25,000, 25,000 का सामान बेचा जा रहा है, तो 5,000 का स्टॉक फिर भी मेंटेन रहेगा आपका बिजनेस में। खैर एंट्री क्या बनेगा वो हम देखते हैं। सामान बिजनेस से बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, एक हो गया आपका कैश सेल्स यानी कैश में बेचा गया है, और दूसरा जो बेचा गया है वो है क्रेडिट सेल यानी उधार में बेचा गया है। ठीक है, उधार में बेचा गया है, किसे बेचा गया है, तो एक तो कैश में जिसका बेचा गया है उससे कोई मतलब नहीं है, है ना, और राजेश को यहाँ पे बेचा गया है उधार में, यह है राजेश। कैश में बेचा गया है आपका 10,000 रुपीज़, और राजेश को जो उधार में बेचा गया है वो 15,000 रुपीज़। अब हमको आप बताइए कि सिर्फ कैश परचेज वाला एंट्री करते हैं, पहले हम सिंपल एंट्री आपको समझाते हैं, उसके बाद हम इसको कंबाइन करेंगे। सिर्फ कैश वाला एंट्री को रिकॉर्ड करिए इसको, तो आप क्या बनाइएगा, सामान बेचा गया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये बनाओगे 10,000, ये बना आपका। उधार वाला के लिए क्या बनाते बताइए, पहले एंट्री को समझते हैं कैश वाला। बिजनेस में कैश आया, डेबिट वार्ड कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से, और सामान गया
बिजनेस से सेल किए, तो हम सेल्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो कैश टू सेल्स 10,000 रुपीज़ ये बना। अगर उधार में बेचते, अभी ये वाला एंट्री पर ध्यान देना, इस पर ये करते तो क्या बनाते हैं, हमने सामान बेचा है, किसको बेचा है, राजेश को, तो उधार में बेचा है तो राजेश रिसीवर है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, तो डेबिट द रिसीवर 15,000 ठीक है। और टू क्या किए, बिजनेस से सामान तो गया है, सेल किए हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं 15,000 रुपीज़ से, ये आपका एंट्री बनता। अच्छा राजेश कौन है, राजेश को उधार में बेचा गया है, तो राजेश जो है 15,000 से बिजनेस का डेटर है, डेटर मतलब देनदार है, बिजनेस को नियर फ्यूचर में पैसा देगा, तो डेटर है राजेश। डेटर क्या होता है बिजनेस के लिए, करंट एसेट होता है। खैर तो ये एंट्री बनेगा आपका, ठीक है। अब अगर आप देखिएगा किसको आप कंबाइन कर दीजिए, कंपोजिट एंट्री बनाइए, कंपाउंड एंट्री बनाइए, तो देखिए ना सेल जो है यहाँ पर तो किया गया है कैश में 10,000 का, और यहाँ पर भी सेल जो है उधार में किया गया है 15,000 का, तो टोटल बिजनेस से जो स्टॉक जाएगा यानी सेल जो हो गया वो कितने का हो गया, टोटल सेल हम एक बार नहीं लिखेंगे, देखिए सेल्स अकाउंट एक बार हम आपको पूरा कंप्लीट समझा देते हैं, और सेल्स अकाउंट दो बार लिखे हम यहाँ पे, एक बार हो गया 10,000 क्रेडिट साइड है ना, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, और एक बार हो गया 15,000। दोनों केस में तो सेल अकाउंट सेल्स अकाउंट ही है, तो हम दो बार क्यों लिखेंगे, हम दो बार नहीं लिखेंगे, हम बार बार क्यों रिपीट करें एक ही चीज़ को, तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम सेल्स अकाउंट को दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट 25,000। ये दोनों का हो गया एक साथ। अब डेबिट में क्या होगा बताइए, बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट है ही, कैश अकाउंट को डेबिट करिए कितने से, 10,000 रुपीज़ से। अच्छा अब फिर क्या है, राजेश अकाउंट डेबिट है, तो राजेश अकाउंट को डेबिट करिए कितना से, 15,000 से। अब क्या इन दोनों को भी जोड़ के लिख दोगे जैसे सेल्स को जोड़े थे, नहीं, अकाउंट अलग अलग है, ये अकाउंट सेल्स अकाउंट क्रेडिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट दोनों सेम था, तो एक बार लिख के 25,000 कर दिए, यहाँ पर दोनों अकाउंट अलग है, एक तो कैश अकाउंट है एक तो राजेश अकाउंट है, दोनों अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तो एंट्री बनेगा फाइनली आपका कैश अकाउंट डेबिट 10,000, राजेश अकाउंट डेबिट 15,000 एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट 25,000, ये जो है आपका एंट्री बनेगा, ठीक है। आप नरसल लिख देना, बीइंग गुड सोल्ड टू राजेश फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 15,000, ये आप नरेशन यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब अगर इसको छोड़ दो, डायरेक्टली ये एंट्री बनाओगे तो क्या बनाओगे, सेल्स कितने का किए टोटल, टोटल सेल्स 25,000, कैश कितना आया 10,000, अभी भी उधार में कितना है तो 15,000 का है, इसके लिए राजेश का नाम लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट द रिसीवर है ये 15,000। अब मॉडर्न अप्रोच से भी चाहो तो आप इसको बना सकते हैं, लेकिन उतना हम आप सोचना इसको, है ना, ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच से मैंने आपको बता दिया, मॉडर्न अप्रोच से भी ये बनाया जा सकता है, वो सब आप सोच लेना कैसे बनेगा, इसके पहले भी हमने बताया कि आपको ट्रेडिशनल से कैसे बनाना है और मॉडर्न से कैसे बनाना है। इसके बाद 20 तारीख के बाद क्या है, 25 तारीख का कैश रिसीव फ्रॉम राजेश 14,500, डिस्काउंट अलाउड उसको किए हैं हम 500 रुपीस, ठीक है। बताइए बिजनेस से हम क्रेडिट सेल जो किए हैं अभी, क्रेडिट सेल जो किए हैं और किसको किए हैं, राजेश को, और कितने का किए हैं, 15,000 रुपये का, तो ये बिजनेस का डेटर है राजेश, कितना से, 15,000 से। नियर फ्यूचर में पैसा देगा बिजनेस को, दे रहा है पैसा, अब देखिए 20 तारीख को बेचे हैं, 25 तारीख को वो पैसा दे रहा है ना, 5 दिन के बाद वो पैसा आप देने को यहाँ पे तैयार है। देना है राजेश को कितना, 15,000 रुपया, राजेश को तो देना है 15,000 रुपये। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सोचिए, राजेश कौन, गिवर है, पर्सन है, गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू राजेश, है ना, गिवर है, क्रेडिट द गिवर। अब देना कितना है टोटल इसको,
तो वो लिख दीजिए राजेश के सामने 15,000 रुपया। ठीक है। अच्छा, बिजनेस में दिया कितना? देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, बिजनेस में कितना दिया है, 14,500। देना तो 15,000 है लेकिन दिया है बिजनेस को कितना, 14,500, यानी बिजनेस में आया कितना, 14,500। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस में आया, तो डेबिट कर देंगे हम 14,500 से। ठीक है, डुअल एसेट कंसेप्ट के हिसाब से डेबिट क्रेडिट तो मैच करना चाहिए, नहीं कर रहा है। बिजनेस को एक छोटा सा यहाँ पे नुकसान हुआ है। क्या हुआ है? बोलता है फुल सेटलमेंट हो गया, देना था 15, दिया 14,500, और बोलता है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का हो गया कि जो बिजनेस है और जो राजेश है उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट मतलब कि आप कह सकते हो कि ये तय हो गया बात कि देना है 15, दिए 14,500, बिजनेस भी इसके लिए तैयार है, राजेश भी इसके लिए तैयार है। राजेश तो तैयार होगा ही कम पैसा देने के लिए। बिजनेस भी बोला कि ठीक है, हम 14,500 से ज़्यादा तुमसे नहीं लेंगे, लेकिन देना था 15,000, तो 15,000 राजेश के सामने लिखे। कैश आया 14,500, बिजनेस को एक छोटा सा नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो कहाँ आइए, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हम यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, और कितना हो गया, एक छोटा सा नुकसान यहाँ पर बोल सकते हो 500 रुपीज़ का। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के नियम से हम उसको डेबिट किए 500 रुपये को। देखिए फिर से समझिए, राजेश को देना था 15,000, आया कितना बिजनेस में 14,500, और बिजनेस ने डिस्काउंट दे दिया कितना 500। तो डेबिट साइड कितना हो गया, देखिएगा दोनों को जोड़ करके, तो डेबिट साइड आपका 15,000 एंड क्रेडिट साइड भी आपका 15,000, ये एंट्री आपका बनेगा। ठीक है, तो ये है आपका 25 तारीख का एंट्री। अभी डिस्काउंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, और डिस्काउंट का जो है देना स्टार्ट कर दिया है बीच में, डिस्काउंट अलाउड क्या है ये सब कुछ। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम डिस्काउंट के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि डिस्काउंट अलाउड क्या है, डिस्काउंट रिसीव क्या है, डिस्काउंट क्या चीज़ होता है, कैसे डेबिट करेंगे, कब कब डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे, ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसमें आप नरेशन लिख देना, बींग कैश रिसीव फ्रॉम राजेश एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। इसके बाद 25 के बाद जो है वो है आपका 31 जनवरी, 31 तारीख का है आपका। क्या कहता है ट्रांजैक्शन? परचेस मशीनरी वर्थ रुपीज 20,000 एंड टूल्स वर्थ रुपीज 2,000 फ्रॉम मिथिला, मिथिला से खरीदे हैं हम लोगों ने, मिथिला मशीनरी से खरीदे हैं हम लोगों ने। ठीक है, तो मशीन खरीदे हैं एंड टूल्स खरीदे हैं, और किससे खरीदे हैं, तो मिथिला मशीनरी से हम लोगों ने परचेस किया है। हम लोगों ने मतलब बिजनेस ने यहाँ पे परचेस किया है। क्या एंट्री बनाएंगे हम, चलो देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस में क्या आया है, बिजनेस में मशीनरी आया है एंड टूल्स आया है, मशीन और टूल्स दोनों आया है। मशीन हो गया आपका जो भी मशीन इस्तेमाल होता है आपका, या तो प्रोडक्शन के लिए या गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या फिर गुड्स को बनाने से रिलेटेड कोई भी मशीन परचेस किया गया होगा यहाँ पर आपका, वो मशीन आया बिजनेस में। डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से टूल्स, मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो आपका टूल्स वगैरह इस्तेमाल होता है, रेंच ये सब कुछ इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं टूल्स। रेंच हो गया, प्लास हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, अलग अलग टाइप का, इसको बोलते हैं टूल्स। ये भी एसेट है बिजनेस के लिए, तो दोनों एसेट है बिजनेस के लिए, दोनों बिजनेस में आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे हम रियल अकाउंट के रूल से डेबिट कर देंगे किसको, तो मशीन को, या मशीनरी लिख दीजिए आपको, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्या आया है टूल्स, तो टूल्स अकाउंट डेबिट ये करेंगे। और टू किससे परचेस किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिथिला मशीनरी से परचेस किया गया। मिथिला मशीनरी जो है वो दुकान का नाम है, यहाँ पर शॉप का है, इससे परचेस किया गया है। कहीं भी बोला गया है क्या कि कैश में परचेस किया गया है? नहीं, नाम लिख दिया गया है मिथिला मशीनरी से, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेस है, क्रेडिट परचेस है, तो किसका नाम लिख देंगे, मिथिला मशीनरी का। देने वाला कौन, गिवर कौन, तो मिथिला मशीनरी है ना।
मिथिला मशीनरी, यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर, और ये आपका रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, ये होगा आपका। अमाउंट देख लेते हैं कितना है, मशीन का है आपका 20,000 और टूल्स का है 2,000 रुपया। मशीन जो आया है उसको हम डेबिट करेंगे 20,000 से, टूल्स को 2,000 रुपया से। टोटल उधार पे जो मिथिला मशीनरी से है, यहाँ पे आप देख लो, ये हो गया आपका मिथिला मशीनरी, MM लिख देते हैं। टोटल कितना उधार है 22,000 रुपये का, यानी नियर फ्यूचर में बिज़नेस को कितना चुकाना होगा, मिथिला मशीनरी को 22,000 का रुपीज़ जो है उसको चुकाना होगा, ठीक है, ये बनेगा आपका। आप नरेशन लिख देना, बीइंग मशीनरी वर्थ रुपीज़ 20,000 एंड टूल्स वर्थ रुपीज़ 2,000 परचेज फ्रॉम मिथिला मशीनरी। और नेक्स्ट जो आपका लास्ट ट्रांजेक्शन है वो है आपका पेड रेंट 2,000 एंड सैलरी रुपीज़ 3,000। चलो इसको हम बनाते हैं यहाँ पर। 31 के बाद है आपका यहाँ पर एक और ट्रांजेक्शन हुआ है, डेट के कॉलम लिखना जनवरी 31। क्या क्या पेड किया गया है, तो बिजनेस ने पेड किया है रेंट एंड सैलरी, ये है बिजनेस, और बिजनेस ने क्या पेड किया है, रेंट पेड किया है और अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया है। दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो हम दोनों एक्सपेंस को डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल से, डेबिट और एक्सपेंसेस, और दोनों एक ही तारीख को है, रेंट भी दिया गया 31 को और सैलरी भी दिया गया 31 को, तो हम दोनों को एक साथ डेबिट कर देंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से, ठीक चल रहे हैं हम। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, और दोनों में क्या दिया गया, कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, दोनों को डेबिट कर दिया, दोनों एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए, और रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पे कैश चला गया। रेंट आपका 2,000 रुपीज़ से डेबिट करेंगे और सैलरी जो है 3,000 से। टोटल कैश जो बिजनेस से चला गया, जो आउटफ्लो हुआ बिजनेस से कैश का, वो है 5,000 रुपीज़, ठीक है। तो बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड, ये आप नरेशन में यहाँ पे लिख देना। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि अगर 30 तारीख को रेंट पे किया जाता और सैलरी 31 तारीख को पे किया जाता, ठीक है, तब क्या होता, या सैलरी मान लो कि करते हैं हम 30 को और रेंट पे करते हैं 31 को, तब क्या होता, तब दोनों को अलग अलग करना पड़ता क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको चलना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 30 तारीख को लिखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000, ये लिखना पड़ता हमको, और फिर 31 जनवरी को हम क्या करते हैं, 31 को रेंट पे किया गया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना है 2,000, तब हमको ये करना पड़ता क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलने के लिए। लेकिन दोनों एक ही डेट को है तो क्या लिखेगा, रेंट अकाउंट डेबिट 2,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 3,000 एंड टोटल कैश का जो आउटफ्लो हुआ वो 5,000, ये लिखना होगा, ठीक है। चल तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो आज हम लोगों ने सॉल्व किया पूरे डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।